हाय गाइस, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग टेक्स्ट इनपुट, इसे कहते हैं टेक्स्ट इवेंट, देखने वाले हैं। सो सिंपल सा कोड है, एक हम लोगों ने इनपुट लिखा हुआ टेक्स्ट इनपुट, उसके बाद इसको मैंने यहाँ से एक्सेस कर लिया है। देन इसमें हम लोगों ने सो नाम का एक मेथड बनाया है जिसमें मैंने ई टाइप, यानी कि बताया कि किस टाइप का ये इवेंट है। देन इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसका अपना ई डेटा, मतलब इसका एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि आपको बताएगा इसका करेक्टर, जो भी करेक्टर प्रेस होगा वह करेक्टर आपको बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेबल करेक्टर के साथ काम करता है और जो नॉन प्रिंटेबल है उसके साथ ये काम ही नहीं करता है, लेकिन हाँ की प्रेस की तरह ही काम करता है, ठीक है। और ये अभी भी सभी ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करता है, तो ये स्टैंडर्ड में भी अभी तक नहीं हुआ है। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। सो ये क्या हमारा, ये हमारा है टेक्स्ट इवेंट, टेक्स्ट इवेंट। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। और यहाँ अगर आप कोई भी प्रिंटेबल करेक्टर प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ए प्रेस किया, तो आपको दिखाई देगा ये किस टाइप का इवेंट है, ये टेक्स्ट इनपुट इवेंट है। देन ये कौन सा करेक्टर है, तो डेटा क्या है इसका, ए डेटा। आप अगर बी प्रिंट करेंगे तो आपको बी दिखाई देगा, सी करेंगे तो सी दिखाई देगा, सॉरी एन करेंगे तो एन दिखाई देगा, एफ करेंगे तो एफ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई और जो कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है उसका कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। लाइक मैं अगर कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो यहाँ कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अगर अल्ट प्रेस करूँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अगर मैं बैक स्पेस प्रिंट करूँ तो भी आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि की प्रेस में ऐसा नहीं होता है। बैक स्पेस करने पर की डाउन और की अप दो इवेंट्स फायर होते हैं। ओके, सो ये आपका है टेक्स्ट इवेंट, बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा और यूजफुल, मे बी इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।